जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का दोस्तों रिजल्ट कब आएगा। अभी इसका फॉर्म भरा रहा था, आप लोगों को पता है कि 23 अगस्त 2023 तक इसका अंतिम तिथि था फॉर्म भरने का। कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म को फिलअप किए हैं, आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कब इसका रिजल्ट आ सकता है, इसका रिजल्ट कितना देर में आता है, पिछले साल कब आया था रिजल्ट, सारी ए टू जेड जानकारी देंगे, लास्ट तक दोस्तों जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इंडिया पोस्ट जो जीडीएस का वैकेंसी है, टोटल सीट कितना था 30,041, ठीक है। अंतिम तिथि था फॉर्म भरने का 23/8/2023, ये दिन दोस्तों फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, ठीक है। तो रिजल्ट इसका कब आएगा, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जो आएगा वो मेरिट लिस्ट के फॉर्म में आएगा। आप लोगों को पता है इस पे आपका मार्क्स नहीं दिखाएगा कि ये इतना मार्क्स मिला, आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है तो मार्क्स क्या दिखाएगा। इस पे जो है सिस्टम से ऑटोमेटिक जनरेट करके मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। आप फॉर्म भरे, हम भरे, वो भरा, कोई भरा, सब भरा, तो सबका दोस्तों कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगा। जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा उसका एकदम सबसे ऊपर चला जाएगा, जिसका कम होगा उससे नीचे आएगा, फिर कम होगा नीचे आएगा, फिर कम होगा नीचे आएगा। इस तरह दोस्तों कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक रिजल्ट बन जाएगा। इस पर कॉपी चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है कि एग्जाम हुआ है, बहुत देरी होगा रिजल्ट आने में, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। तो रिजल्ट आखिर कब आएगा हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक चैनल का लिंक दिए हैं जिसका नाम है दोस्तों MOHAN, मोहन यानी मेरा नाम मोहन शाह व्लॉग, ठीक है। आप इस चैनल को दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिएगा, यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लगभग दोस्तों 14,000 से 15,000 फॉलोवर वहां पर मेरे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं रेगुलर। तो आप भी देखिएगा, यदि अच्छा लगेगा, मुझसे जुड़ना चाहोगे तो देखना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे। अब बात करेंगे दोस्तों इसका रिजल्ट कब आएगा, तो पहले ही आपको हम बताएं कि सिस्टम से जनरेट होता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट बनाने में देरी नहीं लगता है। तो देखिए 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 15 डेज या 1 मंथ, 1 मंथ तो नहीं लगेगा, 15 डेज के अंदर ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। 15 डेज के अंदर ही मेरिट लिस्ट दोस्तों इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। कभी देखोगे कि आज आया है MP रीजन का, ठीक है, मध्य प्रदेश जोन का आज आ गया, कल देखोगे राजस्थान का आ गया है, परसों देखोगे झारखंड का आ गया है। इस तरह दोस्तों एक एक जोन का रिजल्ट जारी हो जाता है, कभी कभी 5-6 जोन का एक साथ रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट जारी करने में इसमें देरी नहीं लगता है, ठीक है। अधिक से अधिक 1 मंथ तो हम बहुत ज्यादा आपको बता दिए, 10 दिन के अंदर भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा सीधा हम PDF दे देंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ जाइएगा और YouTube पे बता देंगे और Telegram में डायरेक्ट PDF आपको देंगे, आपको वेबसाइट में भटकने की जरूरत नहीं है। तो इतना मान के चलिए कि दोस्तों कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो रिजल्ट आने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा, आप बेफिक्र रहिए, यदि आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो आपका भी सिलेक्शन इस पर पक्का होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिस्टम जो रिजल्ट बनाता है उस पर बहुत सारा आ जाता है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर रिजल्ट में चेंजिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी गलत जो मन सो भरत के जमा कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, कागज पत्र चेक होगा। यदि आप दिखा रहे हो 99% तो आपको मार्कशीट सबमिट जब करोगे तो दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ सच में 99% है। यदि भर दिया हो 99% वहां पर देख रहे हैं 66% है, तब तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट दोस्तों पहले मेरिट आएगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट वगैरह आएगा। तो सारा A to Z हम बताते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।